हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी यूंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। आज मैं आपके लिए वो मेकअप लेके आया हूँ जो काफ़ी देर से आप लोग डिमांड कर रहे थे, मेकअप फॉर बिगिनर्स। आज जो मैं आपको लुक क्रिएट करके दिखाऊंगा वो है मेकअप फॉर बिगिनर्स, जिन्होंने कभी मेकअप किया ही नहीं है बट वो स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इस मेकअप में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बड़े इजी वे में सिखाऊंगा कि आप कैसे मेकअप अप्लाई कर सकते हो और कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाएंगे और आप उससे अपना एक अच्छा सा एंड फ्लॉलेस सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे आज मेरे साथ ये मॉडल हैं, इनके हमने पहले हेयर रेडी कर दिए। देखो, हेयर आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे इनके हेयर लेंथ शॉर्ट है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं इनका हेयर कर रहा हूँ। बट अब स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि ब्यूटी को इन्हेंस हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इनकी जैसे आइज़ आप देख रहे हो थोड़ी सी छोटी आइज़ हैं एंड एट द सेम टाइम हल्की सी हुडी भी हैं आइज़। तो ऐसे आई टाइप को और इन्हेंस करने के लिए सबसे पहले हम लेंस डालेंगे। अगर आप लेंजेस के साथ कंफर्टेबल हो तो डालो, अदरवाइज़ अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मेकअप करने से, अगर आप किसी फंक्शन पे जाने वाले हो तो उसे एक दिन पहले ट्राई करके देख लो। सेम टाइम आप उस चीज़ के लिए एफर्ट मत करो, मे बी हो सकता है कि वो आपको सूट ना करें और आपकी आइज़ वाटरी हो सकती हैं। तो भी हम इनके लिए जो लेंस यूज़ कर रहे हैं उस लेंस का जो आउटर रिंग है वो थोड़ा सा डार्क कलर है, और अगर हम किसी को ऐसे रिंग के लेंसेज डालते हैं उसके साथ आइज़ इन्हेंस होती हैं, बड़ी लगती हैं। एंड आज ये भी पहली बार ही लेंस डाल रहे हैं तो मे बी हो सकता है कि इनके आइज़ में लेंस डालने में भी हमें थोड़ी सी मुशक्क़त ज़्यादा करनी पड़े एंड इनकी आइज़ भी वाटरी हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें सबको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और देखो, मैं आप सबके लिए ऐसे अनकट वीडियोस लेके आता हूँ क्योंकि कुछ भी हाइड नहीं करता, जो रियल में होता है वही आप लोगों को दिखाता भी हूँ कि कैसे आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो अभी इन्होंने लेंस डाला है, अभी कंफर्टेबल है आपको सी? थोड़ा सा हाँ, अभी इनको जैसे लेंस कंफर्टेबल इतना नहीं हो बट आप देख सकते हो कि आई जो है वो बिग लगना शुरू होगी, मतलब आई जो है वो बड़ी लग रही है। एंड सेकेंडली, अभी हम इनकी आई के अंदर, अरे डाला तो उधर था, पानी उधर से आ गया। सो इट हैपन्स, ठीक है, जब पहली बार डालते हैं। अब आईज़ को कंफर्टेबल करने के लिए आप ऐसे जो आई ड्रॉप्स हैं वो डाल सकते हो। तो इसके साथ अगर मान लो आई में कोई ड्राइनेस या इरिटेशन हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी विद इन 2 मिनट्स आई गेस। तो बस आपने ऐसे हल्का हल्का सा डैप करना है अगर आप फर्स्ट टाइम डाल रहे हो, और रब बिल्कुल भी नहीं करना आपने, आप अपनी दूसरी रब करके बताना जैसे नहीं करना, ऐसे रब बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ऐसे रब करोगे तो आपका जो लेंस है वो ब्रेक होके आई के अंदर कहीं पे भी चला जाएगा और वो उसके साथ आपको इन्फेक्शन भी हो सकती है। सो अभी आईज़ ओपन करना एंड आप देखो आईज़ कितनी बड़ी बड़ी लग रही हैं अभी। सो ये जो कमाल है ये सिर्फ लेंस का ही है, आप विदाउट लेंस भी मेकअप कर सकते हो, ये कोई वो नहीं, मैंडेट नहीं है कि आपने लेंस डालनी है। अभी सेकेंड आई में भी हम लेंस डालेंगे, दोनों आईज़ फिर एक जैसी हो जाएंगी बड़ी बड़ी। एंड जो लेंस का कलर है वो भी हम एज़ पर आउटफिट ही डिसाइड करते हैं, स्किन टोन एंड आउटफिट। अभी जैसे इन्होंने जो आउटफिट डाला है वो पीच कलर का है, तो उसके साथ जो हमने इनको लेंस डाले हैं वो हनी शेड के लेंस हैं। आप हेज़ल भी डाल सकते हो, आप ग्रे भी डाल सकते हो, ग्रे एंड हेज़ल का कॉम्बिनेशन आता है वो भी डाल सकते हो। आजकल लेंजेस की काफ़ी वैरायटी आती है मार्केट में। बस आपने ये है कि अगर आप मान लो रेड कलर का आउटफिट डाल रहे हो तो उसके साथ ग्रीन ब्लू अवॉइड करो, या फिर ग्रे, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। अगर हम कलर व्हील को भी फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेम टोन्स ही डालो, कूल टोन के लेंजेस कूल आउटफिट्स के साथ एंड वार्म टोन के लेंजेस वार्म आउटफिट के साथ, जैसे रेड के साथ ब्राउन एंड हेजल, पिंक के साथ ग्रे। अभी हम करेंगे इनके फेस के ऊपर मॉइस्चराइजिंग स्प्रे, सीटीएम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो मॉइस्चराइजिंग स्प्रे हम कर रहे हैं दिस इज़ फ्रॉम शोपैरल, ये शोपैरल का मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि जिनके लिए हम मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं इनकी जो स्किन है दैट इज़ ड्राई, ठीक है, थोड़ी सी ड्राई स्किन है इनकी। सो उसके लिए थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग स्प्रे। बट अब जब हम स्प्रे कर रहे हैं, मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनके हेयर को पीछे से हल्का सा टाई कर देंगे क्योंकि इनका हेयर जो है वो रेडी हो गया है, और अगर बार बार हाथ लग के हम इनके हेयर को ग्रीजी ना कर दें। सो हेयर को ऐसे मैंने क्लिप के साथ टाई कर दिया लाइक दिस, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मेकअप आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी हमने इनके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ किया एंड देन आफ्टरवर्ड्स अब हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो इस लुक को हम थोड़ा सा बिल्कुल न्यूट्रल नहीं मैं रखने वाला हूँ इसमें। देखो, अब इनके जैसे आउटफिट है तो बर्थडे पार्टी के लिए ये रेडी हो रहे हैं, तो इसके अंदर आप देखो हल्का हल्का रोज़ कलर
रोज़ कलर का इफेक्ट है, तो हम हल्का सा शिमर ऐड करेंगे। तो हुडी आइज़ के ऊपर मेकअप में हम शिमर भी यूज़ कर सकते हैं, हम स्मोकी भी कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी होती हैं फॉर हुडी आइज़। तो हल्का सा क्लोज व्यू, फेस से, ये सभी मॉइस्चराइजर। अब देखो हमने पहला स्टेप क्या किया, मॉइस्चराइजिंग स्प्रे किया एंड देन मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन हो रही है। आप पहले मॉइस्चराइजर करके तो दोबारा भी मॉइस्चराइजिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। इसके साथ क्या है, जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको एक्स्ट्रा नरिश मिलता है, स्किन के ऊपर मेकअप अच्छे से स्टे भी करेगा एंड एट द सेम टाइम फ्लॉलेस भी लगेगा। बट आई गेस समटाइम्स आप अगर अच्छे से सीटीएम भी करते हो, तो जब आप लूज़ पाउडर यूज़ करते हो तो एक पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं क्लाइंट के फेस के ऊपर जहाँ से ड्राइनेस ज़्यादा रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो उस सिनेरियो में हम जो मेकअप है वो फिर बाद में लास्ट में ही हैंडल करते हैं कि वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं। या तो वहाँ पे हम क्रीमी कंसीलर से एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर हम वहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। बट अदरवाइज़ अगर आपके क्लाइंट की हिस्ट्री है, अगर वो आपको बताता है कि जब भी वो मेकअप करवाते हैं तो उनके फेस पे कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एरिया अराउंड द नोज़, फोरहेड या अराउंड द लिप्स ड्राई फ्लेक्स आते हैं, तो फिर आप उनके लिए लूज़ पाउडर सिर्फ अंडर आई यूज़ करो एंड देन रेस्ट ऑफ द फेस आप उनके लिए कॉम्पैक्ट ही यूज़ करो। क्योंकि जो कॉम्पैक्ट होता है वो फेस को डिहाइड्रेट नहीं करता है, मतलब हाइड्रेट रखता है फेस को भी। एट द सेम टाइम जो लूज़ पाउडर होता है वो फेस को एकदम से लॉक कर देता है, फाउंडेशन को एक ड्राई सा इफेक्ट भी देता है, बट उसके साथ हमारा मेकअप जो है वो एक्स्ट्रा स्टे करता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ प्रॉश का मैटिफाइंग प्राइमर। प्रॉश का मैटिफाइंग प्राइमर हम इनके लिए यूज़ करेंगे सिर्फ आइज़ के लिए, क्योंकि हमें आई को मैटिफाई करना है। इन एनी मेकअप कोई भी आपके पास स्किन टाइप आ रहा है तो उसमें हमें आइज़ को मैटिफाई ही करना है। तो आईज़ के ऊपर हमेशा ही हम मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं प्रॉश का कर रहा हूँ। और आपने अच्छे से ऐसे आई एरिया को कवर करना है, पूरे आई के ऊपर आपने अप्लाई करना है। एंड अभी आप डिफरेंस देख सकते हो कि आपको दोनों आईज़ के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। एक आई आप हल्का सा फेस इधर करना, यस, इस आई के ऊपर देखो आपको शाइन कम दिख रही है, इट मीन्स कि वो जो है उसका सरफेस मैटिफाई हो गया। एंड जो इनका दूसरा आई वहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रीजीनेस विजिबल है, तो उसको हम मैटिफाई अब करेंगे लाइक दिस। सो मेकअप में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके कारण आपका मेकअप स्पॉइल हो जाता है, समटाइम्स ऑक्सीडाइज हो गया, या आई आई का मेकअप स्टे कम करता है, लाइनर्स मर्ज हो जाता है। तो मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही चीज़ बताता हूँ कि मेकअप में कोई पर्टिकुलर पैरामीटर्स नहीं होते। अगर मैं बोलूँ कि 10 12 15 पैरामीटर्स होते हैं, तो इतने पैरामीटर्स नहीं होते मेकअप के अंदर। मेकअप के अंदर अनलिमिटेड पैरामीटर्स हैं, हर फेस, हर आई टाइप, हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली हमारा जो मेकअप है वो चेंज होता है। और अगर आप प्रोफेशनली टेक्निकली साउंड हो, अच्छी जगह से आपने ट्रेनिंग ली है, तो आप हर तरह के स्किन टोन, हर तरह के क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो। सो आपकी ट्रेनिंग के ऊपर ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, यस। अभी हम कंसीलर अप्लाई करेंगे इनके आईज़ के ऊपर। सो आईज़ के ऊपर जो कंसीलर है वो हम फॉरएवर 52 का अप्लाई कर रहे हैं। ये जो कंसीलर है थिक कंसीलर है, अच्छी कवरेज देता है। अगर आपको आईज़ के ऊपर मेकअप को डिफाइन करना है या फिर पिगमेंट को इन्हेंस करना है, रिच मेकअप करना है, देन आप जो है वो पिगमेंटेड जो गुड क्वालिटी ऑफ कंसीलर है आपने वो यूज़ करनी है। आपने शेयर कवरेज का कंसीलर तब यूज़ नहीं करना। सो अभी हम उसको सेटल कर रहे हैं ब्रश के साथ, अच्छे से आई के ऊपर आपने ब्रश के साथ कंसीलर को सेटल करना है, दोनों तरफ ही करेंगे। एंड देन एक बार ब्रश के साथ स्प्रेड करने के बाद फिर हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करेंगे। अब यहाँ पे जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ द बेस्ट ब्रश फॉर मी, और इसके लिए काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस या फिर कमेंट्स में भी पूछते रहते हैं कि सर ये ब्रश कौन सा है। दिस इज़ फ्रॉम फेलिक 21 का ये ब्रश है एंड द नंबर इज़ F07। टेपर्ड ब्रश है एंड इसका जो टेक्सचर है दैट इज़ सिंथेटिक। सिंथेटिक ब्रशेस हम यूज़ करते हैं क्रीमी एंड कंसीलर्स को ब्लेंड करने के लिए। एंड देन द नाउ इज़ द ब्यूटी ब्लेंडर। दिस इज़ द ब्यूटी ब्लेंडर फ्रॉम MRBR। MRBR का ये ब्यूटी ब्लेंडर है।
अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, प्रोडक्ट को कम एब्जॉर्ब करता है, मेकअप के अंदर एक फ्लॉलेस सी फिनिशिंग देता है। सो इसके साथ क्या है, अगर आप मेकअप ब्लेंड करते तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो क्लाइंट के फेस के ऊपर ही फिक्स हो जाता है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर वही अच्छा होता है जो मेकअप को कम से कम एब्जॉर्ब करे। अभी हम इनका जो मेकअप स्टार्ट करेंगे, अब हम आई मेकअप स्टार्ट करने पहले सबसे पहले हमें क्रीज क्रिएट करनी है। तो क्रीज क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए एक स्मॉल राउंड ब्रश, दिस वन। तो इनका जो आई मेकअप है और आज जो हम इनकी जो क्रीज क्रिएट करेंगे, देखो बाकी मेकअप अभी जैसे मैंने बोला ये मेकअप बिगिनर्स के लिए, तो मैं मेकअप को बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं रखूँगा। तो मेकअप में हम आईज़ में एक अच्छा सा इफेक्ट देंगे जिसके साथ आईज अट्रैक्टिव लगें, बाकी मेकअप को हम बिल्कुल ही फ्लॉलेस रखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो ट्रांजिशन कलर लेना है, देखो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने ट्रांजिशन कलर्स कैसे पिक करने हैं। तो सबसे पहले मैं अभी अपने कैमरा को थोड़ा सा वाइड एंगल पे लेके जाऊंगा, एंड देन अब आप देखो ये आई शेडो पैलेट। अब अगर हम इस आई शेडो पैलेट को देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको कलर्स जो हैं वो विजिबल हो रहे होंगे, इसके अंदर काफ़ी कलर्स हैं बट जो इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक तो देखो ये कलर इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करेगा, एंड सेकेंडली ये कलर। तो इस कलर को हम एज अ ट्रांजिशन कलर भी लेंगे और इसको ही हम एज अ क्रीज की डेप्थ देने के लिए भी यूज़ करेंगे, क्योंकि आई सरफेस जो है, आई एरिया सॉरी, वो काफ़ी छोटा है तो उसके अंदर हम ज़्यादा मल्टी कलर्स ऐड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक दो कलर्स के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। सो ये मैंने यहाँ पे कलर पिक किया राउंड ब्रश के साथ। तो यहाँ पे हम इनको देंगे अभी ट्रांजिशन कलर एज अ क्रीज। तो ट्रांजिशन कलर हम कहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, ऐसे जो बिल्कुल आई का मिड एरिया होता है, ऐसे यहाँ पे सी शेप में हम कलर ऐड करेंगे। और छोटी आईज़ के लिए छोटा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप कलर बार बार पिक कर सकते हो क्योंकि आपने यहाँ पे डेप्थ देनी है ऐसे आईज़ को, लाइक दिस। सो डैपिंग मोशन में करोगे तो कलर डिपॉजिट अच्छा होएगा। पहले डैप डैप करो, एंड देन डैप करने के बाद मैं ये देखो ऊपर की तरफ, क्योंकि जो इनका ब्राउ बोन एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है। अगर हम कंपैरिजन करें आई बॉल के साथ तो ब्राउ बोन एरिया थोड़ा सा बड़ा है, तो जो हम ट्रांजिशन कलर है उसको ब्राउ बोन एरिया की तरफ स्प्रेड करेंगे ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड देन डिपॉजिटिंग द कलर, ठीक है। अब जो सेम टेक्निक है वो हम दूसरी आई के ऊपर भी वैसे ही करेंगे। ट्रांजिशन कलर सिंगल कलर हमने लिया है ये, और इसी के साथ डैपिंग मोशन में पहले तो आपने यहाँ पे सी शेप में आई क्रीज क्रिएट करनी है, ऐसे डैप डैप करते हुए, एंड देन उसको अपवर्ड्स ब्लेंड करना है, लाइक दिस। और दोनों आईज का कलर हमने इक्वल ही रखना है। आप बार बार चेक करते रहो सामने मिरर में देख के भी, दोनों तरफ आपने कलर इक्वली डिपॉजिट किया है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है लेफ्ट एंड राइट में ना डिफरेंस आ जाता है, प्रेशर का डिफरेंस आता है, हमें विजिबिलिटी नहीं होती तो उसका डिफरेंस आ जाता है। सो ऐसे हमने कलर डिपॉजिट किया। एंड देन अब जो हम इनका ब्राउ बोन कलर पिक करेंगे वो मैं ज़्यादा वो नहीं करने वाला, उसको हम थोड़ा सा मैट में ही रखेंगे। तो मैट के लिए जो मैं कलर यूज़ कर रहा, आप देखो कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हो, ये बिगिनर्स के लिए मैं कह रहा हूँ, बट हाँ आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो कि कौन सा ब्रांड आपके पास अवेलेबल है, तो उसके उसमें से आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो या नहीं कर सकते, बट कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अगर आपके पास वैनिटी में कुछ भी है, बस आपने फोकस कहाँ पे करना है, एप्लीकेशन के ऊपर। अब जो मैं इनके लिए ब्राउ बोन कलर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ मैट, मैट में ही मैंने इनके स्किन टोन का कलर पिक किया और इसको हमने यहाँ से हाईलाइट किया। ब्राउ बोन एरिया पे ज़्यादा कलर नहीं ऐड करेंगे, और अगर किसी की आईज़ हुडी हैं या फिर उनकी ब्राउ बोन ज़्यादा बल्की है उस पर अवॉइड करो शिमर्स, अगर उस पर आप शिमर्स अप्लाई करोगे तो वो और ज़्यादा बल्की लगेंगे, क्योंकि जो शिमर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी एरिया जहाँ पे आप शिमर्स अप्लाई कर रहे हो उस एरिया को एनहेंस करेंगे, मींस वो एरिया पॉप अप होएगा। अगर ऑलरेडी किसी की जो ब्राउ बोन है वो थोड़ी सी बल्की है तो वहाँ पे हम
शिमर्स नहीं यूज़ करेंगे। एंड देन आईलिड के लिए जो मैं कलर यूज़ करूँगा वो मैं मैक का कलर यूज़ कर रहा हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट। ये मेरा मैक का कलर है, ये बेसिकली रोज़ गोल्ड कॉपर कलर है, तो इसको हम आईलिड के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर आपको ग्लिटर्स पसंद हैं तो ग्लिटर यूज़ कर सकते हो। तो एप्लीकेशन कैसे करनी है, ऐसे मिडल से स्टार्ट करूँगा एंड देन पूरे आईबॉल के ऊपर आपने इसको डैपिंग मोशन में अप्लाई करना है। और इस एप्लीकेशन के लिए जो मैंने ब्रश लिया दैट इज़ फ्लैट ब्रश। सो ये देखो यहाँ पे मैंने इनके जो आई है उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आउटफिट के साथ का कलर आप यूज़ कर सकते हो, बट हाँ अगर आपने आउटफिट ब्लैक या ग्रीन पर्पल कुछ ऐसे मतलब ब्लू कलर में डाला तो अवॉइड करो कि कलरफुल मेकअप फर्स्ट टाइम में करने के लिए, मतलब दिस इज़ द बिगिनर्स मेकअप। तो बिगिनर्स के लिए मैं ये नहीं करूँगा कि आप पहले ही दिन ही ब्लू या ग्रीन मेकअप करो, तो मे बी वो सूट ना करे एंड हो सकता है कि आप उसको अच्छे से अप्लाई ना कर पाओ। सो सबसे पहले हमें किससे स्टार्ट करना है, न्यूट्रल कलर से। तो न्यूट्रल कलर्स में अगर आपका कुछ गड़बड़ होता है तो वो मैनेजेबल है। एंड देन आईज ओपन करना, ठीक है। अभी देखो हमने इनके आईज के ऊपर जैसे हल्का सा इफेक्ट दिया। अभी इनके लुक के अंदर एक चीज मैं ऐड करूंगा एलिमेंट, देखो मैं जैसे ये काजल लाइनर ज़्यादा नहीं लगाते एंड अगर इनको अगर मैं लाइनर लगाऊंगा तो इनका देखो ओपन आई में जो एरिया है वो कितना कम विजिबल है ना। तो इनके लिए जो हम आज लाइनर टेक्निक यूज़ करेंगे उस मेरी कोशिश ये है कि इनकी जैसे आईज पहले देखने में थोड़ी सी राउंड थी, अब थोड़ी सी उनको मैं ऑलमंड शेप में मतलब कन्वर्ट करूँ। तो आज जो हम इनको लाइनर लगाएंगे वो लाइनर ऐसा लगाएंगे कि जो विजिबल ही ना हो, ठीक है। आज इनकी जो आई शेप है वो हम बिल्कुल डिफरेंट करने वाले हैं। तो जो लाइनर विजिबल नहीं होएगा वो लाइनर कैसे लगेगा, इनविजिबल लाइनर एप्लीकेशन। सो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले इनके आई को क्लोज करवा के ऐसे लिफ्ट देना है और अंडर जो हमारी टाइट लाइन होती है आई की वहां पे एप्लीकेशन करिए। मैंने काजल की एप्लीकेशन करी है, आईज ओपन करना, ठीक है। आपको हल्का सा अभी डिफरेंस दिख रहा है ना, तो वहाँ पे अब मैं बाद में इसको लाइनर के साथ भी आपको करके दिखाता हूँ। आईज क्लोज, ठीक है। ये एप्लीकेशन पहले काजल के साथ, पहले मैं एक आई पे करूँगा एंड देन फिर लाइनर एप्लीकेशन, क्योंकि मैं इनके जो हेयर लाइन है उसके साथ पैरलर लाइन नहीं ड्रॉ करूँगा। जैसे मैंने आपको बोला है कि इनका जो आई स्पेस है वो कम है, तो अभी हमने लाइनर कैसे अप्लाई करना है, आपका लाइनर ऐसे बिल्कुल आपने थंब के ऊपर लेना है और इसको एकदम टिप पर फ्लैट कर लेना है ऐसे टिप को एंड देन हेयर लाइन से आईज ओपन करना। तो मैं बिल्कुल टेल से लाइनर एप्लीकेशन दे रहा हूँ इनको, आईज क्लोज, बस ऐसे हल्का हल्का सा हमने ऊपर देखना और ऐसे ही इनर कॉर्नर से नीचे करना फेस। यस लुक अप, सो सी जैसे मैंने आपको बोला था कि उनकी आईज जैसे राउंड हैं, हमने देखो इस आई को एक शेप दिया, वहाँ पे लाइनर एप्लीकेशन भी करी है बट आईज को थोड़ा सा लॉन्ग भी दिखाया है। आप इस तरफ देखना और नहीं थोड़ा सामने इधर, और इस आई में डिफरेंस देखो, ये आपको अभी भी जैसे राउंड शेप में लग रहा है एंड देन उस तरफ। तो जो भी नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन होगी वो लैशेस। तो ऐसे अगर हमने आईज को एनहेंस करना है तो लैशेस कैसे यूज़ करेंगे, कौन सी वाली लैश यूज़ करेंगे, तो वो भी आपको बताऊँगा। तो अभी अगेन दूसरी आई पे भी हम ऐसे करेंगे, टाइट लाइन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे काजल।
मेकअप के अंदर ऐसे छोटी छोटी सी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर आप ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हो तो आप मेरा प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कहीं दूर से हो तो यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब करो, सो दैट कि आप कोई भी कंटेंट मिस ना कर दो। आई ओपन करना, तो ये कहाँ से हमने पिक करना है, जहाँ से वाटर लाइन हमारा काजल ख़त्म हुआ वहीं से, आइज क्लोज एंड देन ऊपर देखें। ठीक है, ऐसे ही हम आगे से इनर कॉर्नर इस तरह, ठीक है। और इनके लिए हम जो है, अगर आप वाइट काजल नहीं यूज़ करते तो आप ऐसे नॉर्मल भी छोड़ सकते हैं, एंड मोर ओवर आप वाइट काजल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनके लिए पहले वाइट काजल यूज़ करूँगा। जो मैं इनके लिए वाइट काजल यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम जस्ट गोल्ड। जस्ट गोल्ड का ये वाइट काजल है, काफ़ी अच्छा है एंड स्मूथ है अप्लाई करने के लिए। ऊपर देखना, आप देख सकते हो कि कितना स्मूथ है और एप्लीकेशन कितनी इजी है, एट द सेम टाइम पिगमेंटेड है, जो कि सबकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो काजल या कोई कॉस्मेटिक हम लें वो अच्छा पिगमेंटेड होना चाहिए। सो दिस इज़ द बेस्ट काजल फ्रॉम जस्ट गोल्ड, बटर कोल इसका जो है वो नाम है। सो अभी इनकी आईज़ अच्छी लग रही हैं, एंड देन लैश के बाद हम लैश को ग्लू कर दें, बारी आइज को थोड़ा और एनहेंस करेंगे। सो स्टार्टिंग मॉइस्चराइजर के साथ हम फेस को वाइप करेंगे। अदरवाइज अगर देखो यू आर बिगिनर तो आप ऐसे आई मेकअप भी कैरी कर सकते हो और आप फेस मेकअप जो है वो अवॉइड कर सकते हो, मतलब फेस को बिल्कुल नॉर्मल भी रख सकते हो, इन केस अगर आप ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं पसंद करते, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि गर्ल्स ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं लाइक करते। ऊपर देखना, सो ऐसे हमने जो अंडर आई एरिया वो सारा वाइप कर दिया, एक्सेस सारा क्लीन कर दिया वहां से। एंड इनके ब्राउज को भी हम एक अच्छी सी शेप देंगे। ये चेन उतार दें एक बारी ना बाद में, क्योंकि इस पे मेकअप लग जाएगा। हाथ में पकड़ लो। सो नाउ इज़ द कंसीलर पार्ट। तो कंसीलर के लिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर ये होया, तो क्यों सही है ना सारे में एकदम मेकअप नहीं करता। सो अभी मीनवाइल लैशेस रेडी हो गई थी, तो सबसे पहले मैं इनको लैश एप्लीकेशन ही कर रहा हूँ। हम मिनिमल सी लैशेस ही लगाएंगे, इनको ज़्यादा हैवी लैश नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी लैश अप्लाई करेंगे तो आईज़ पे ज़्यादा वेट आएगा, वेट इन द सेंस कि आईज़ पहले अगर किसी की छोटी है तो उनके लिए आई लैशेज जो हमें छोटी वाली अप्लाई करनी होती हैं। आईज ओपन करना, ठीक है, ऐसे हम मिनिमल सी लैश अप्लाई करें। हाँ, बट अदरवाइज आपकी किसी क्लाइंट की चॉइस है कि वो हैवी ही कैरी करना चाहते हैं लैशेस, सो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने हर मेकअप में हर स्टूडेंट को यही चीज़ कहता हूँ कि मेकअप में ऐसा कोई पैरामीटर्स नहीं है, बस जो आप कर रहे हो वो टेक्निकली सही होना चाहिए एंड वो सूट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों की आईज बड़ी होती है, उनको भी मेन क्लैशेस नहीं सूट करते, सो इट डिपेंड्स। ऊपर देखना, नीचे हल्का सा नीचे,
और कभी कभी कुछ जो क्लाइंट होते हैं वो भी हैवी लैशेस कैरी ही नहीं कर पाते। यस लुक, ठीक है, अभी मीनवाइल लैशेस सेट हो जाएंगी, देन हम इनका आई मेकअप फिनिश कर देंगे, क्योंकि लैश के ऊपर हल्की सी लाइनर आएगी, सॉरी लाइन आएगी लाइनर की, एंड यहाँ से हल्का सा फिक्स। सो अभी हम फेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी करने वाला था, तो यहाँ मैं इनके लिए जो अभी यूज़ कर रहा हूँ कंसीलर, दिस इज़ फॉर एवर 52 का कंसीलर, काफ़ी लाइट वेट कंसीलर है, कवरेज बहुत अच्छी देता है, एंड द नंबर इज़ COV005। तो हमने करना क्या है, इस कंसीलर को अंडर द आईज अप्लाई करना है, एंड अराउंड द माउथ एंड नोज एरिया, और जो इनके हल्के हल्के से मार्क्स हैं यहाँ पे, जैसे ये हल्का सा मार्क है, मे बी ये स्कूल में काफ़ी लड़ते थे लोगों से, तो वो निशान कभी रह जाते हैं। सो ठीक है ना, तो फिर लड़कियों को बाद में रियलाइज़ होता है, अरे यार मुझे इतना वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब इस एज में आके फिर पता चलता है कि अगर फेस के ऊपर मार्क्स हैं तो उसको कवर करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऊपर देखना, एंड देन सॉफ्टली ब्लेंड इट। अब जैसे जो मैंने कंसीलर इनके लिए यूज़ किया है, उस कंसीलर के साथ एक तो इनको कवरेज अच्छी मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम वो इनके स्किन को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। मीन्स अगर हम इस कंसीलर के साथ ही मेकअप करना चाहें तो हमें फाउंडेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो हमारा मेकअप कंसीलर के साथ भी डन हो जाएगा, क्योंकि स्टिल दिस इज़ द मेकअप फॉर बिगिनर, और स्टार्टिंग में गर्ल्स को ज़्यादा हैवी मेकअप्स वैसे भी पसंद नहीं आते, सो हम फाउंडेशन स्किप भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको फिर फुल फेस कंसीलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। अभी हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट करेंगे। मेकअप के अंदर सबसे जो ज़्यादा अट्रैक्टिव और ध्यान देने की चीज़ होती है, देखो कलर करेक्शन आपने कैसे करनी है, एंड देन फिर स्किन टोन के अकॉर्डिंगली कौन से कलर अप्लाई करने हैं, इस तरह देखना है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अगर आई मेकअप कर रहे हो, लिप शेड अप्लाई कर रहे हो, तो सब चीज़ों में आपके कलर व्हील जो है वो काम करता है। अब जैसे देखो जो इनकी आईज हैं छोटी हैं, एंड हुडी भी हैं, और थोड़ा सा अंडर आई लाइंस भी हैं, तो इस सिनेरियो में मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करूँगा वो सारा लाइट वेट मेकअप यूज़ करूँगा, तो मैं हैवी मेकअप बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो इनके लिए जो मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगा, सो इनके लिए आज जो मैं फाउंडेशन यूज़ करने वाला हूँ, दिस इज़ द मैक्समिया के फाउंडेशंस हैं, काफ़ी अच्छे फाउंडेशन है, वेलवेट मैट है, और ये काफ़ी लाइट वेट भी फाउंडेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी की स्किन के ऊपर ज़्यादा लाइंस हैं और उनको थोड़ा सा लाइट वेट फाउंडेशन चाहिए, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, इजीली अवेलेबल भी है। तो मेरे पास जो यहाँ पे दो नंबर्स हैं वो ये वाले नंबर हैं, 301 एंड 101, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम इनके स्किन टोन क्रिएट करेंगे और इनको अच्छा सा फ्लॉलेस सा मेकअप देंगे। सो मैं दोनों नंबर्स मिक्स करूँगा। जो फाउंडेशन का कलर है वो क्लोज टू स्किन कलर होना ज़रूरी है, अदरवाइज ज़्यादा डिफरेंस आएगा कलर में तो आपका मेकअप जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, एंड मोस्टली मैं यही प्रेफर करता हूँ कि हमेशा स्किन टोन पे ही काम करो। और मैंने यहाँ पे देखो फाउंडेशन को मिक्स किया, आप देखो कितना अच्छा फाउंडेशन है ये, एंड एट द सेम टाइम आप उस तरफ देखना, एंड एट द सेम टाइम कवरेज इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। आप देखो जो इनका मा था फेस के ऊपर वो ख़त्म ही हो गया, एकदम से कवर हो गया। सो बेस्ट रेकमेंडेड फाउंडेशन, ऊपर देखना,
आप देखो मैंने दोबारा प्रोडक्ट ही नहीं पिक किया, जो भी एक बारी मेरे ब्रश के अंदर प्रोडक्ट था उसी के साथ मैंने हाफ साइड ऑफ फेस कवर कर दिया। अभी हम दूसरी तरफ भी अप्लाई करेंगे और ये इजीली सेट भी होता है फाउंडेशन स्किन के अंदर, ये देखो। एंड क्योंकि बिगिनर्स को सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करें वो हमें इजीली मिल जाए मार्केट में और अच्छी कवरेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो दिस इज़ गुड फाउंडेशन। ऊपर देखना, और यहाँ पे हम मिनिमल सा ब्रश के साथ डैब डैब करके ही यूज़ करेंगे एंड दिस साइड, और फिर पूरा नेक एरिया कवर करना है। एंड देन द ब्रश, अब ब्रश के साथ सेट करेंगे। मुझे इनके लिए पीच ब्लशर चाहिए लिक्विड। जो इनको ब्लशर है वो भी ना पीच हल्का सा टिंट ही यूज़ करूँगा, सुपर डुपर ब्लशर नहीं करेंगे। इस तरह देखना, ठीक है। एक बारी ब्रश के साथ इवन करने के बाद अब मैं अराउंड द आईज, आज हमने ब्राउज नहीं किए हैं क्योंकि आज मैं जो इनके ब्राउज हैं वो बाद में करूँगा, बिल्कुल मिनिमल से। एंड अंडर द आई इस तरह, मेकअप जो है देखो एक चीज़ मैं भी हमेशा कहता हूँ कि मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन करता है, बट किस लेवल तक की आप करना चाहते हो। तो मेरा जो मेन होता है वो सिर्फ क्लाइंट के फीचर्स को ब्यूटीफाई करना होता है, सिर्फ वो नहीं है कि एकदम से आप उसको डम्मी बना दो क्लाइंट को कि कोई खुद कोई ना पहचान पाए, बट सिर्फ ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करो मेकअप। और हम इसके साथ क्या करते हैं, फाउंडेशन के साथ सिर्फ कंसीलिंग्स देते हैं सो दैट कि स्किन के अंदर जो फ्लॉज हैं उसको हम कंसील करके एक फ्लॉलेस स्किन जो आपकी रियल स्किन है वो ही अचीव करें। एंड देन अंडर द आईज अच्छे से ब्लेंड देंगे। अंडर द आईज बाद में भी हम करते रहेंगे क्योंकि अभी पहले मुझे लिक्विड ब्लशर यूज़ करना है। तो लिक्विड ब्लशर के लिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम इनके लिए हम एल्फ का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ एल्फ ब्लशर, तो ये इट्सेल्फ शिमरी भी है। हमने ब्लशर एप्लीकेशन कैसे करनी है, मिड ऑफ़ द ईयर से लेके मिड ऑफ़ द लिप्स तक करनी है और ऊपर से एक फिंगर का गैप होना चाहिए आईज से, स्माइल करना। एंड अदरवाइज ये जो हाई पॉइंट है तो यहाँ पे सिर्फ ब्लशर एप्लीकेशन करनी है, हमारी डायरेक्शन ब्लशर की इसी वे में होनी चाहिए। अदरवाइज आप नीचे की तरफ करोगे तो उसके साथ क्या आपका फेस लंबा भी दिखेगा, इवन सैगी या ड्रूपी भी लग सकता है। फेस को लिफ्ट देने के लिए ब्लशर हम इसी डायरेक्शन से ऊपर ऊपर अप्लाई करेंगे। सो जब आप प्रो हो जाते हैं आपकी डायरेक्शंस आपको
देखनी नहीं पड़ती, आपको पता था कि आपने किस डायरेक्शन में एप्लीकेशन करनी है। सो अभी लूज़ पाउडर हम इनके लिए यूज़ करेंगे। मुझे के ब्यूटी का लूज़ पाउडर दे दो। सो ब्लश को भी हम ऐसे सेट करेंगे। पहले ब्लश को आप अच्छे से सेट करो एंड देन आपने लॉक करना है मेकअप को, क्योंकि जब भी आप क्रीमी या लिक्विड ब्लशर यूज़ करते हो उसको पहले अच्छे से बिफोर पाउडर आपने अप्लाई करना है एंड देन सेटिंग उसको आपने लूज़ पाउडर के साथ करनी है उसकी। वो दे देना पिज्ज़ा पफ इस तरफ देखना हल्का सा। तो मैं अभी सारा नेक का एरिया भी सेट कर दूँ, आपने ऊपर देखना चिन डाउन लुक अप। तो एक आई के ऊपर मैं जैसे पहले एक ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सॉफ्टनेस दूंगा एंड देन इमिजिएटली वहाँ पे लूज़ पाउडर के साथ हम उसको लॉक कर देंगे सो दैट कि क्रीजिंग ना हो। और ये जो मैं पिज़्ज़ा पफ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52। फॉरएवर 52 का पिज़्ज़ा पफ यूज़ कर रहा हूँ, के ब्यूटी का लूज़ पाउडर एंड देन सेकेंड आई। तो इसको भी हम लॉक कर देंगे। जब आप पिज़्ज़ा पफ के साथ पाउडर एप्लीकेशन करते हो तो पाउडर काफ़ी लिमिटेड भी यूज़ होता है एंड जो वहाँ पे आपकी फाइन लाइंस होती हैं उसको भी अच्छे से वो कवर कर देते हैं। सो ये बेस्ट टूल है। अब जो बाकी का फेस है उसको हम करेंगे ब्रश के साथ। छोटा फेस है तो मैं फिलहाल फोरहेड के लिए छोटा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम पाउडर ब्रश बड़े वाला उठा लिया मैंने क्योंकि मुझे इसके साथ कवर करना है अच्छे से फेस को। एंड दिस इज़ द लूज पाउडर फ्रॉम के ब्यूटी जो मैंने इनके लिए शेड यूज़ किया दैट इज़ वनीला। सो नाउ इज़ द मस्कारा पार्ट। सबसे पहले मस्कारा करेंगे देन लाइनर को फिनिश करेंगे। देखना मस्कारा थोड़ा सा हैवी दे सकते हो बट जो मैंने इनको लैश अप्लाई की है उसकी ज़्यादा लेंथ नहीं दी क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथी लैशेस देंगे तो हुडी आईज के ऊपर वो ज़्यादा सूट नहीं करती। सो इस चीज़ का आपने हमेशा ही ध्यान रखना है क्योंकि उसके साथ क्या है अगर आप लॉन्ग लैशेज यूज़ करोगे वो ब्राउज के साथ जाके मतलब उस पूरा आपका आई एरिया कवर कर लेंगे, वो सीधा जाके ब्राउज़ को मीट कर जाएंगे एंड देन जो आपका आई एरिया वो सारे का सारा कवर हो जाएगा एंड देन क्लाइंट के आईज़ पे क्या दिखेगा लैशेज हैं एंड देन सिर्फ ब्राउज़ हैं। तो इस चीज़ को हमेशा आपने माइंड में रखना है, छोटे लैश यूज़ करो छोटी आईज़ के लिए। अब देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो मैं मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ वॉल्यूम मस्कारा फ्रॉम फॉरएवर 52। एक सेकंड देना। ठीक है, फॉरएवर 52 का हमने मस्कारा यूज़ किया। अब इनके आईज़ को हम फिनिशिंग देंगे, एक आईज़ को शेप देंगे। सामने देखना। ठीक है, अब जैसे मैंने लैश भी अप्लाई किया है तो थोड़ा सा आई को हम रीशेप करेंगे। और मुझे वहाँ पे चाहिए एक लाइनर ब्रश और एक जेल लाइनर। सो ये मेरा फिनिशिंग पार्ट है अभी आईज़ के लिए।
आईज ओपन करना है, ब्लिंक मत करना है, दो मिनट। इस तरफ ठीक है, एक का ही हमारा फिनिश एंड देन ये जो काम है ना, ये तो थोड़ा सा मेहनत का काम है एंड फोकस करना पड़ता है आपको। इस एप्लीकेशन के लिए मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे आपने फोकस पूरा करना है एंड ऐसी सिचुएशन से बचना है जो मेरे साथ अभी हुआ है। यहाँ पे हल्का सा ब्रश बाहर की तरफ लग गया। सो हमने देखो इनकी आईज़ को कितने अच्छे वे से ब्यूटीफाई किया। अंडर आई एंड अंडर आई भी मैं इनको वही कलर यूज़ करूँगा जो मैंने इनके आई शेडो में यूज़ किया है, मैक। ठीक है, यहाँ पे जो मैं अभी मैक का सेम कलर यूज़ कर रहा हूँ बट फ्लैट ब्रश के साथ यूज़ करूँगा। सो मैं आप लोगों के लिए अनकट वीडियोस लेके आता हूँ क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि ड्यूरिंग द मेकअप जो एप्लीकेशंस में दिक्कत या डिफ़िकल्टीज मैं फेस करता हूँ वो मैं आपको वैसे ही दिखाऊँ, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, हर मेकअप आर्टिस्ट ये चीज़ें फेस करता है। तो मुझे ये होता है कि कुछ भी कंसील ना करूँ, मैक्सिमम हमारी कोशिश यही रहती है कि वही आपको दिखाएं जो चल रहा है। एंड मोर ओवर इतना परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं होता कि आप कुछ भी एप्लीकेशन करो और वो हमेशा ही परफेक्ट हो। आपकी टेक्निक सही होनी चाहिए, एप्लीकेशन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन गड़बड़ सबसे ही होती है। तो अभी हमने कॉम्पैक्ट यूज़ किया अंडर आई को फिनिशिंग देने के लिए। एंड फुल फेस के ऊपर मैं कॉम्पैक्ट एप्लीकेशन करूँगा। आई थिंक ब्राउज़ लास्ट में करते हैं ना, फिर दिखाएंगे डिफरेंस की ब्राउज़ के साथ कितना अच्छा डिफरेंस आता है। ठीक है, अब इनके आप आईज़ देखो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। एंड नाउ इज़ द फेस कॉन्टोर करना है हमें, तो फेस को कॉन्टोर करने के लिए मैं ब्रॉन्जर यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम फॉरएवर 52। आप उस तरफ देखना। एंड देन हमने करना क्या है, ऐसे शेडो क्रिएट करना है अंडर द चिन, और कोई भी हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी। इस एरिया को हमें डिफाइन करना है। सी, ये एरिया डिफाइन हो गया, इस तरफ देखना एंड द अदर साइड। और हल्का हल्का सा चीक्स को डिफाइन करेंगे सो दैट कि इनका जो फेस है थोड़ा सा लॉन्ग दिखे, लाइक दिस।
और यहाँ से फेस को हल्का सा कट दे देंगे इस तरफ। सो आपने पूरा चीक एरिया ब्रॉन्जर के साथ नहीं करना, उसके साथ क्या है चीक्स आपकी डार्क लगेंगी। और मैंने इनको ये स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्जर इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मैं इनके ना हेयर ओपन छोड़ने वाला हूँ। सो आपने ये चीज़ पहले चेक करनी है कि आप क्लाइंट को कैसा लुक देने वाले हो। सामने देखना मेरी तरफ, डाउनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। और मिनिमल सा फोरहेड क्योंकि वहाँ पे हेयर लाइन अनइवन लगेगी। एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ नॉर्मल। ठीक है, एक बारी डैप डैप कर दो, अगर कहीं पे कोई गलत स्ट्रोक लगा आपका ब्रश का वो सेट हो जाएगा। और अभी ब्लशर यूज़ करेंगे सिर्फ सामने की तरफ, आप स्माइल करना। एंड द लिप शेड, लिप शेड हम इनको ब्राउन कलर्स में ही अप्लाई करेंगे। तो लिप शेड के लिए मैं इनके लिए यूज़ कर रहा हूँ के ब्यूटी कैटरीना कैफ लिप शेड। सो यहाँ पे इनको मैं लिप शेड के ब्यूटी का अप्लाई करने वाला हूँ। तो अगर आपको डिटेल में पूछना है कि ये लिप कलर कौन सा है, उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा बस। अगर आप सेल्फ के लिए कर रहे हो तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे ब्रश के साथ अप्लाई करूँगा। एंड द कलर इज़ सुपर अमेजिंग। और लिप्स को हल्का सा पाउटी इफेक्ट देने के लिए हम मैट लिपस्टिक से यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ लिप्स में हल्का सा पाउट ऐड हो जाता है। एंड इवन हम अगर लिप्स को एक्सटेंड भी करते हैं तो वो भी ज़्यादा विजिबल नहीं होता। स्माइल करना। मेरी तरफ देखना। सो अभी जो मैंने इनको लिप शेड अप्लाई किया है दैट इज़ फ्रॉम के ब्यूटी। मैंने इनको के ब्यूटी का ये वाला लिप शेड अप्लाई किया है। अगर आपको ये लिप शेड अच्छा लगा, सुंदर लगा और आप इसकी डिटेल्स पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछो, मैं वहाँ पे आपको इसका जो नंबर है वो बताऊँगा। हमने इनकी जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट की है, बट कोई ऐसा है जो ये बता सकता है कि हमने इनकी लुक में क्या चीज़ मिस करी है?
तो अभी हमारा जो लुक है वो कंप्लीट हो गया। आज का जो ट्यूटोरियल हमने किया है वो किया है बिगिनर्स के लिए, जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना आता तो वो यहाँ से मेकअप सीख सकते हैं। एंड मैंने इस ट्यूटोरियल में आपको वो सारे एलिमेंट्स बताए हैं जिसके साथ आप फीचर्स को भी चेंज कर सकते हो। आज जैसे मैंने इनके लिए किया, कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं करी बट इनकी ब्यूटी को हमने इन्हेंस किया। आपने स्टार्टिंग में भी इनको देखा और अभी भी देख रहे हो। तो इस ऐसी सी लुक सीखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलो, कमेंट करो, शेयर करो और लाइक करो। अदरवाइज अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में आप वो पूछ सकते हो। आपको ये लुक कैसी लगी वो बताना मत भूलना।